सुप्रभात, आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैसी। आइए नजर डालते हैं मंगलवार की प्रमुख खबरों पर। कोयरौना थाना क्षेत्र के शिव सेवक पट्टी महावीर मंदिर के करीब बाइक सवारों ने सेल्समैन से 1.5 लाख रुपया नकदी छीनकर फरार हो गए। घटना को अंजाम देते समय बाइक सवार बदमाशों ने भय भी फैलाया है। घटना सोमवार लगभग 5 बजे की बताई गई है। बता दें कि औराई निवासी लखन सिंह की सीतामढ़ी में शराब की दुकान है, जहां मिर्जापुर पटेहरा निवासी शेषमढ़ी उपाध्याय दुकान पर सेल्समैन है। बाइक की डिग्गी में 1.5 लाख रुपया लेकर मिर्जापुर के लिए निकला था, जहां कोयरौना के शिवसेवक पट्टी गांव स्थित वह अभी पहुंचा ही था कि तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने बाइक में धक्का दे दिया, जिससे सेल्समैन बाइक समेत गिर गया और बदमाश भय पैदा करते हुए डिग्गी से 1.5 लाख रुपया निकालकर ललकारते हुए फरार हो गए। बाइक सवार बदमाश जंगी गंज की तरफ भागे हैं। हादसे में सेल्समैन घायल हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी राम बदन सिंह व सीओ सहित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले शीघ्र गिरफ्त में होंगे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही सूर्यावा मार्ग स्थित नयपुर गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ी में फेंकी मिली जिंदा नवजात बच्ची। सोमवार की सुबह सैर पर नयपुर पिपरिस निवासी मोहन अपने साथियों के साथ निकला था, जहां झाड़ी से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। युवक झाड़ी के पास पहुंचा तो एक जिंदा नवजात शिशु पड़ा हुआ था, जहां देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और हर कोई उस मां को कोस रहा था जिसने इस जिंदे बच्चे को फेंक दिया था। लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 को दी, जहां पीआरबी 2300 मौके पर पहुंची। पीआरबी के कांस्टेबल सुनील ने बताया कि एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर नवजात बच्ची को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया गया। बच्ची पूरी तरह जिंदा व स्वस्थ है। बच्ची के शरीर में बड़ी संख्या में चींटी लिपट गई थी, जहां भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक व कर्मियों ने बच्ची की देखभाल की। वहीं चाइल्ड लाइन 1098 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे चाइल्ड लाइन के कर्मी नवजात बच्ची को लेकर चले गए। हमें 112 नंबर से सूचना मिली थी कि एक लावारिस बच्ची मिली हुई है। मौके पर हम पहुंचे, देखे बच्ची झाड़ी में पड़ी हुई थी, उसको उठा करके गोद में लेकर के अपने पीआरबी वाहन के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बच्ची जिंदा है, डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। दीपावली पर्व को लेकर राकेट, मिर्ची, चटाई, फुलझड़ी जैसे दुकानों के स्थान चिन्हित के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। दुकान लगाने के लिए मैदान की तलाश में सोमवार की शाम एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा, सीओ भदोही शहर कोतवाल सदानंद सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने भदोही शहर के रसपुरा स्थित रामलीला मैदान, दरोपुर सब्जी मंडी तथा रौजा गाजी मियाँ सहित स्टेशन रोड पर स्थान की तलाश की। एसडीएम ने कहा कि दीपावली को लेकर 3 दिन दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। चिन्हित स्थान के अलावा अगर कोई अन्य जगह दुकान लगाते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि इसी तरह चौरी, दुर्गागंज, सूर्यामा आदि स्थानों में भी जगह तलाश की जा रही है। जगह निर्धारित होने पर बताया जाएगा। दीपावली पर बगैर लाइसेंस कोई भी दुकान लगाते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार विजय उसमें दीपावली के अवसर पर सभी जो एक दुकान जो भी व्यापारी लगाते हैं उनके लिए एक निश्चित प्लेस निश्चित कर दिया जा रहा है, जो आबादी से अलग होगा और वहां पे उनको लाइसेंस दिया जाएगा 3 दिन के लिए। 12, 13, 14 को 3 दिन के लगेंगी और सभी लोगों से स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ पे नियत स्थान पर उनको लाइसेंस दिया जा रहा है 3 दिन के लिए, वहीं पर वो अपनी दुकान लगाएंगे। उससे अलग अगर वो कहीं मुख्य मार्ग पे या कहीं और पाया जाएगा तो उनके लाइसेंस जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तुरियामा थाना इलाके के नेता नगर तिरमोहानी के समीप सीमेंट लदी एक ट्रक से दूध वाहन टकराया है। मिनी ट्रक दूध लादकर सूर्यामा नगर की तरफ जा रहा था, उसी समय सामने से वाराणसी की तरफ जा रही एक सीमेंट लदी ट्रक से टक्कर हो गई। मिनी ट्रक के आगे का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। दूध लदे मिनी ट्रक का चालक वाराणसी के रोहनिया इलाके के जगतपुर गांव निवासी सालू गुप्ता बताया गया है, जो घायल हुआ है। उसे गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद सीमेंट लदे ट्रक का चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मिनी ट्रक के चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। भदोही कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर भदोही मार्ग स्थित मूसी लाटपुर के समीप दो बाइकों की टक्कर में 3 घायल हो गए हैं। मौके पर रसपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज ने पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि हरियाव गांव निवासी आशीष कुमार विश्वकर्मा व प्रमोद विश्वकर्मा नामक दोनों युवक एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी मूसी के समीप बनियापुर के चक्रोड से बाइक सवार सौरभ उपाध्याय निकला। इसी बीच दोनों बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें तीनों घायल हो गए। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर रसपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। औराई विकासखंड के वर्जी कला गांव में 6,81,050 रुपए के धाधली का मामला सामने आया है, जहां तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पारस नाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिया गया है। यह आदेश DPRO बालेश धर द्विवेदी ने दिया है। गबन की धनराशि को 24 किस्तों में ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से वसूली करने को कहा गया है। आपको बता दें कि वर्जी कला गाँव के उमा कांत व प्रतीक ने तत्कालीन ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी। 2017 में DPRO जयकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराई गई थी। जांच में मामला सही पाया गया था। 2019 में रिपोर्ट सौंपी गई थी, जहां अब सचिव के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के साथ वेतन से प्रतिमाह वसूली करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय परंपरा में तो त्यौहार अनेकों हैं, लेकिन अगर करवा चौथ हो तो फिर सुहागिनों के लिए क्या बात है। करवा चौथ व्रती महिलाएं अभी से खरीदारी में जुट गई हैं और बाजारों में महिलाओं की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ रही हैं, जिसमें 16 श्रृंगार सहित पूजा सामान शामिल है। कुछ सुहागन ऐसी भी हैं जो पहली बार पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना को लेकर करवा चौथ व्रत रखने जा रही हैं। करवा चौथ की तैयारियों में जुटी महिलाएं अच्छी साड़ियां, आभूषण, श्रृंगार और पूजन सामग्री आदि की खरीदारी करने में जुटी हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि संक्रमण को देखते हुए सतर्कता के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। यह व्रत 4 नवंबर को किया जाएगा। निराजल रहकर सुहागिन महिलाएँ देर शाम चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देंगी और विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के लाला नगर टोल प्लाजा के समीप 29 अक्टूबर को एक इनोवा कार की चपेट में आने से ऑटो चालक दयाशंकर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान सोमवार को चालक दयाशंकर की मौत हो गई। वह गुलौरी गांव का निवासी बताया गया है। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में आक्रोशित परिजनों संग ग्रामीणों ने कोतवाली गोपीगंज पहुंचकर जमकर हंगामा किया और इनोवा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद से ही परिजन कोतवाली पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की बात कहते रहे, लेकिन गोपीगंज कोतवाली पुलिस हीला हवाली करती रही। इसी बात से आक्रोशित बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक चुनाव को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है। नो ऑब्जेक्शन को लेकर यह बैठक जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की है। खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन की तारीख तय कर दी गई है। चुनाव को लेकर जिले की सियासत भी गर्मा गई है। नो ऑब्जेक्शन को लेकर की गई बैठक में सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव सहित तमाम राजनीतिक दल से जुड़े लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि भदोही जिले में 4 नए बूथ उस स्थान पर बनवाए जा रहे हैं जहां 1000 से अधिक मतदाता हैं। बूथ को लेकर ही जिलाधिकारी ने बैठक कर राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया है। आखिरकार बेरोजगार हुए सब्जी व्यापारियों के दर्द को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने समझा और उन्हें अस्थाई सब्जी मंडी का स्थान दे दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ज्ञानपुर ने जिला अधिकारी को पत्र सौंपते हुए पुरानी सीजीएम कोर्ट के समीप अस्थाई सब्जी मंडी की मांग रखी थी और इसके लिए नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने अथक प्रयास भी किया था। सत्यम न्यूज ने सब्जी व्यापारियों की खबरों को प्रमुखता से दिखाई थी। सोमवार की सुबह पोस्ट ऑफिस के पीछे सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जहां जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने सब्जी मंडी के लिए पुरानी सीजीएम कोर्ट के पीछे स्थान को उपलब्ध करा दिया है। सब्जी मंडी की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने व्यापार मंडल के द्वारा डीएम साहब के पास एक पत्रक दिया गया था, जिसमें व्यापारियों के लिए मांग की गई थी कि एक उनको स्थायी जगह नगर पंचायत के द्वारा या शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। डीएम साहब ने 2 दिन का समय लिया था, उसके पश्चात उन्होंने नगर पंचायत के द्वारा जगह चिन्हित करवाकर आज सब्जी मंडी के व्यापारियों को सीजीएम कोर्ट के पीछे नगर पंचायत की ज़मीन में उनको ज़मीन की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें सबको चिन्हित करा करके सब्जी की दुकानों का वितरण किया जाएगा। 13 व अपनी काबिलियत के लिए पहचान बनाने वाले गोपीगंज चौकी इंचार्ज दयाशंकर ओझा का चौरी पुलिस चौकी के लिए तबादला हो गया। सोमवार को पुलिस चौकी गोपीगंज में एक विदाई समारोह रखा गया था, जहां उन्हें फूलमाला पहनाकर गोपीगंज वासियों ने विदा किया। विदाई के दौरान कई लोगों की आंखें नम हो गई। विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों ने भी चौकी इंचार्ज को फूलमाला पहनाया है। इस दौरान रामाकांत गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, सिराज अख्तर आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के बैरी बीसा निवासी गंगा प्रसाद ने जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव की उक्त सार्वजनिक भूमि ग्राम सभा वासियों के लिए काफी उपयोगी है, ऐसे में ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग शिकायतकर्ता ने की है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर मामले को लेकर केएनपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सोमवार को ज्ञानपुर में छात्र सौरभ मिश्रा की अगुवाई में एक पैदल मार्च निकाला है। श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पैदल मार्च कर छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय से होते हुए नगर का भ्रमण किया है और आक्रोश जताते हुए आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग की है। चौरी बाजार के चौराहा स्थित एक तालाब में अचानक आग लग गई। तालाब सूखा हुआ था और कूड़े से पटा पड़ा था। सोमवार की देर शाम अचानक तालाब में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी फैल गई। बाजार वासियों के मुताबिक आसपास से निकलने वाले कूड़े सहित अन्य सामानों को तालाब में फेंक दिया जाता है। तालाब पूरी तरह सूख गया है। चौरी बाजार के इसी तालाब में सोमवार की शाम अचानक आग लग गई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संयोग अच्छा था कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया
अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। विद्यालय आवंटन पत्र हाथ आते ही खुशी से झूम उठे शिक्षक। अभ्यर्थियों से शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर पत्र पाने वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी और शिक्षक इसका इजहार करने से भी पीछे नहीं चूक रहे थे। सरकारी नौकरी पक्की होने पर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। सोमवार को इस तरह का नज़ारा ज्ञानपुर में देखने को मिला था। शिक्षक भर्ती के तहत जिले में 617 पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। सोमवार को 549 नवनियुक्त शिक्षकों के बीच विद्यालय आवंटन पत्र वितरित किया गया, जिसमें 11 विकलांग, 136 महिला व 402 पुरुष शामिल रहे। इन शिक्षकों को आज 3 नवंबर तक अपने अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना है। SDM ज्ञानपुर ज्ञान प्रकाश व बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार की निगरानी में विद्यालय आवंटन पत्र वितरित किया गया है। BSA अमित कुमार के मुताबिक जिन शिक्षकों के कागजात में कमी थी उन्हें सचिव के लिए संदर्भ कर दिया गया है। कोतवाली ज्ञानपुर में सोमवार को सर्राफा व्यवसायियों के साथ पुलिस ने बैठक की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी गई। बैठक में कोतवाल KK सिंह ने व्यापारियों को सचेत किया कि सुरक्षा के मद्देनजर सर्राफा व्यापारी अपने अपने दुकानों में CCTV कैमरा अवश्य लगाएं। अगर दुकान के बाहर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसकी सूचना पुलिस को दें। कोतवाल KK सिंह ने कारोबारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है कि पुलिस इन दिनों रात में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर आने पर उनसे पूछताछ, परिचय पत्र और गाड़ियों की तलाशी अभियान चला रही है। वहीं आगामी पर्व दीपावली पर भी सतर्कता बरतने की बात कही है। बैठक में व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता, प्रदीप समेत कई कारोबारी मौजूद रहे। कई वर्षों से जर्जर पड़े चौरी सुरेरी मार्ग के दिन अब बहुरने वाले हैं, क्योंकि इस मार्ग के निर्माण के लिए जिला पंचायत लगभग 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। उक्त जर्जर मार्ग पर ठेकेदार ने गिट्टी सहित निर्माण के जरूरी सामान गिरवाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 दशक से बदहाल 2 जनपदों को जोड़ने वाला यह मार्ग काफ़ी कष्टदायक साबित हो रहा है। आए दिन ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण के लिए अनगिनत जगहों पर पत्र भेज चुके हैं, यहां तक कि धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। देर से ही सही, लेकिन जिला पंचायत ने अब इस जर्जर मार्ग के बारे में सुध लिया है और लगभग 1 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। जल्द ही संबंधित अधिकारी इस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं और निर्माण कार्य में तेजी आने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह सर्दी के एहसास से लोग तरह तरह के जतन अभी से करने लगे हैं। हालांकि 10 बजे के बाद से मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन शाम 5 बजे जैसे ही सूरज ढलने लगा वैसे सर्दी का असर भी तेजी के साथ बढ़ने लगता है। सुबह के समय लोग गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर अलाव आदि जलाकर सर्दी से बचने के इंतजाम करते देखे जाने लगे हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह सोमवार की सुबह तहसील ज्ञानपुर के समीप का है, जहां गुलाबी ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते देखे गए। सुरियामा थाना इलाके के कस्तूरीपुर गांव निवासी सभाजीत ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कहा कि जमीन पर जबरी निर्माण कराया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सोमवार को उक्त विवादित भूमि पर निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना UP डायल 112 को दी गई थी।
भदोही जिले में सोमवार को 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें भदोही के लमलेशपुर की 40 वर्षीय महिला, पिपरिस की 45 वर्षीय महिला, डी के कटरा का 55 वर्षीय व्यक्ति, बिरासपुर का 48 वर्षीय व्यक्ति, औराई के उगापुर का 21 वर्षीय युवक संक्रमित मिला है। वहीं कल सोमवार को 5 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 665 लोगों की जांच की गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या 1917 पहुंच गई है। इधर कुछ दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या में गिरावट आ रही है, जो जनपद वासियों के लिए राहत भरी खबर है। आप सभी दर्शकों से अपील, अपने आसपास की खबरों को हमें अवश्य बताएं। हम दिखाते हैं रोजाना शहर, गांव, नगर, खेत, खलिहाने तक की खबर। ऐसे में अगर आपके आसपास है कोई खबर तो हमें सूचना अवश्य दें। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें अच्छी लगें तो शेयर अवश्य करें, साथ ही लाइक व कमेंट कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।